हमें अंदर का भी पसंद है, बाहर का भी पसंद है, साफ सीधी बात है। तो शोकर होते हैं, शोकर इस गाड़ी के नहीं है, शोकर भी दूसरी गाड़ी के डलवा रहे। कौन सी के डलवा दी है? इस गाड़ी को मैंने टाटा बना रखा है। हाँ, कैसे? आ जाओ भाई, ये परसों ही डिवाइडर पे चढ़ी है गाड़ी। अच्छा, मुझे लगा मैंने नोटिस ही नहीं करी। नहीं भाई, तो मतलब आप मानते हो कि मारुति अच्छी बिल्ड क्वालिटी तो देती नहीं है। हाँ, है? तभी मैंने टाटा बना रखी है भाई। अच्छा, 2.5 लाख का सिस्टम है। हाँ जी भाई, ठीक है भाई, सुनना बनता। चाहे आप अभी खड़े होके नाच लो, लाइव टेस्ट, लाइव डेमो दे देते हैं भाई, कर ले। दो जने भाई मुश्किल हो जाएगा। भाई, एक को नचा देंगे आज। हाँ, एक को नचाओ, कोई दिक्कत नहीं। ये चीज कहीं कोई गाड़ी में नहीं देखी होगी, ये क्लेम कर सकता। अरे ये क्या है यार, इसे ऑन करो ना फिर। हेलो दोस्तों, भाई आज मैं लेके आपके लिए सामने देख लो यार, अपने साथ खड़ी हुई है मारुति सुजुकी बलिनो, लेकिन कोई स्टॉक गाड़ी नहीं है भाई। इस गाड़ी में क्या है कि इस गाड़ी में रखी है बहुत अच्छी खासी मॉडिफिकेशन। तो आज इस गाड़ी का प्रॉपर एक ओनरशिप रिव्यू शूट करने वाले हैं हम, और इसके ओनर से बात करेंगे इस गाड़ी में क्या क्या काम करा रखा है, कब उन्होंने लिया, कुछ बेसिक बातें भी अपनी वीडियोज में होती है, ताकि अगर कोई बंदा प्लान कर रहा हो या किसी के पास ऐसी गाड़ी हो तो उसे थोड़ा सा मजा आए इस वीडियो को देखने में कि हाँ भाई इस गाड़ी के ओनर क्या फील कर रहे हैं इस गाड़ी को लेने के बाद। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कि मेरा जो चैलेंज चल रहा है, एक जर्नी चल रही है 6 मंथ चैलेंज की, उसे सपोर्ट करो। सपोर्ट कैसे कर सकते हो भाई? सब्सक्राइब का बटन प्रेस करके, बाकी इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लो, वहाँ 1 लाख अपने फॉलोअर्स होने वाले हैं कंप्लीट, 2-3 हजार रह रहे, जल्दी से करा दो। और मेन बात क्या है कि सपोर्ट आपका रहेगा तभी कुछ हो सकता है, क्योंकि मैं भी आपके लिए कितनी मेहनत कर रहा हूँ कि भाई ग्रेटर नोएडा से फरीदाबाद, गुड़गांव, पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहा हूँ, वो भी ऐसी कड़ी धूप में। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, और अब ज्यादा देर नहीं करते हैं, जल्दी से इनके ओनर को इन्वाइट करते हैं। तो क्या हाल है भैया? बढ़िया भाई जी। भाई नाम बताओ सबसे पहले। भाई मेरा नाम है मेहुल। मेहुल? हाँ जी मेहुल भाई, सबसे पहले यही बता देते हैं जनता को कि आपसे हमारी बात कब से चल रही है। बात तो भाई हो गए, मुझे लगता है 3 हफ्ते हो, 3 महीने हो गए। 3 महीने हो गए। हाँ भाई, कभी भाई का होना आना नहीं हो रहा, कभी हमारा नहीं, भाई बिजी बहुत है, हम क्या कर रहे हैं। भाई वो सभी रहते हैं। हाँ, गाड़ी के ओनर को भी अपने तक लेके आना ना बहुत बड़ी बात। बिल्कुल बिल्कुल भाई। तो मेहुल भाई बेसिक बातों से स्टार्ट करेंगे और मॉडिफिकेशन तक धीरे धीरे पहुंच जाएंगे। बेसिक बात है क्या कि भाई सबसे पहले मुझे बता दो, कब आपने ली, कौन सा वेरियंट है, कितने में आपको पड़ी थी? ये है भाई 2016 मॉडल है, टॉप एंड मॉडल है, जब का टॉप एंड ही था, और ये हमें 8.5 की पड़ी थी। अच्छा, 8.5 की पड़ी। हाँ जी भाई, ठीक है, 2016 मॉडल है। ठीक है, और भाई टॉप एंड वेरिएंट है, मैंने ज्यादातर देखा है कि बंदे बेस वेरिएंट लेते हैं मॉडिफिकेशन कराने के लिए, आपने टॉप एंड उठाया, तो क्या क्लियर नहीं था पहले कि मॉडिफिकेशन करानी है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ होता है अंदर कुछ नहीं मिलता, ऑटोमेटिक वो जो अपना क्लाइमेट वगैरह होता है वो नहीं मिलता, और सिंगल मीटर मिलता है, और भी बहुत सी चीजें होती है, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है कि बेस लोगों की टॉप बना रहा वो मतलब मॉडिफिकेशन के लिए, अंदर भी तो होना चाहिए कुछ, इंटीरियर भी होना चाहिए, इसलिए भाई हमारी ये सोच है भाई। हाँ देखो, सोच सबकी अलग हो सकती है, लेकिन बहुत क्या है कि मैंने जैसे स्विफ्ट वगैरह करता हूँ या और गाड़ियां करता हूँ, वो क्या करते हैं कि भाई बेस उठाओ और अपने हिसाब से काम कराओ। नहीं भाई, हमें अंदर का भी पसंद है, बाहर का भी पसंद है, साफ सीधी बात है। अच्छा, मतलब सारी चीजें जो कंपनी दे रही है वो भी चाहिए, और जो हम ऐड करेंगे वो तो है ही। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो है ही। चलो सही बात है। तो मेहुल भाई यार एक बात और आ जाती है जो अपनी बेसिक बातों में आ जाती है कि जब आपने गाड़ी प्लान की थी तो हर बंदा क्या करता है जनरली कि कुछ गाड़ियां शॉर्टलिस्ट करता है सेम बजट में, कि यार कंपैरिजन तो सभी लोग करते हैं। बिल्कुल, तो आपके साथ क्या सीन था, आपने कौन कौन सी गाड़ियां शॉर्टलिस्ट करी थी? दो ही करी थी भाई, एक ये थी और एक ब्रेजा थी। अच्छा। हाँ, और दोनों के सेगमेंट अलग हो गए? बिल्कुल सेगमेंट अलग हो गए, बट उसमें ना ये था कि इंटीरियर का आपको आपको ही पता होगा उस टाइम इंटीरियर और इस टाइम इसका इंटीरियर उस टाइम में बहुत अंतर था, उसमें कुछ हमें मिल नहीं रहा था बढ़िया। अच्छा। हाँ, तो इसमें कुछ ज्यादा फीचर थे, 3-4 फीचर ज्यादा थे, तो फिर हमें यही अच्छी। उसका कौन सा वेरिएंट देख रहे थे आप? टॉप एंड ही। अच्छा, टॉप एंड ही चाहिए? हाँ चाहिए, टॉप एंड ही था। ओके, वो कितने का पड़ रहा था लगभग? वो कुछ इससे थोड़ा सा ऊपर था, उसके रेट हाई है। फिर आपने बलेनो ही देखी? हाँ बलेनो देखी भाई। ओके, फ्रोंक्स वगैरह तो खैर तब तक थी, फ्रोंक्स सबको नाम ही नहीं था भाई। अच्छा, फ्रोंक्स अगर होती उस टाइम पे तो फिर क्या है ना, उसका लुक काफी अच्छा लगता। बिल्कुल बिल्कुल भाई, अब ज्यादा बातें नहीं करते हैं फालतू की। तो मेहुल भाई मुझे फ्रंट से जरा बताते चलना डिटेल्ड में, आपने इसमें क्या क्या काम करा रखा, रेट की क्या बात करोगे, मतलब पार्ट टू पार्ट करेंगे या ओवरऑल बताएंगे? ओवरऑल बताने, ओवरऑल बताना है क्योंकि बता नहीं पाएंगे, एक छोटी छोटी चीजें होती है इसमें। चलो वो लास्ट में वीडियो के ओवरऑल बता देंगे कितने पैसे इसमें लगे हुए हैं। अब भैया बता दो जरा मुझे फ्रंट से क्या क्या काम करा। पहले तो भाई आपका ये पूरा बम्पर जो है, बम्पर पूरा चेंज है, कंपनी से चेंज करवा रहा है, आरएस की किट लगवा रखी है, फ्रंट और बैक दोनों, ये कंपनी से चेंज है? बिल्कुल कंपनी से। अच्छा, कंपनी ऐसा बम्पर देती है? बिल्कुल बिल्कुल। ओके, हमने वहीं से चेंज करवाया, और ये लाइट पूरी कस्टमाइज है पूरी। ओके, ये इसमें डीएल आते हैं अपनी कंपनी की तरफ से, आपने ये चीज देखी होगी, ये चीज कहीं कोई गाड़ी में नहीं देखी होगी, ये क्लेम कर सकता। अरे ये क्या है यार, इसे ऑन करो ना फिर, जब इतनी खतरनाक चीज लगवाई रखी है तो उसे थोड़ा ऑन ऑन करके देख लेते हैं। ठीक है, ये DRL हो गए हैं, बाकी प्रोजेक्टर इसमें कंपनी से ही आता है? हाँ जी भैया। ओके, अब मैं वो आपको चला के दिखाता हूँ।
ये चीज मैं क्लेम कर सकता हूँ, ये आपने कोई गाड़ी में नहीं देखी होगी। अच्छा हाँ भाई, मैंने भी फर्स्ट टाइम देखी। और हाँ, यहाँ पर आते हैं इसके इंडिकेटर है, आपको पता होगा इंडिकेटर यहाँ आते हैं, बट हमने डीएल में दे रखे हैं, वो भी आपको रन करके दिखाता हूँ। ठीक है, वो डीआरएल में आ गए हैं। बिल्कुल भाई, लाइक मैट्रिक्स वाला जो होता है ना। हाँ जी भाई। ओके ओके, बाकी फोग लैंप वगैरह तो सब आते ही होंगे। फोग लैंप सब कुछ आते हैं, वो तो कॉमन चीज होगी आजकल, फोग लैंप चला रहे हैं सब, आईपीएस लगवा के। बस वही है, ऊपर डायमंड आई हो रखी है, कलरफुल, वो ही सबको पता ही है भाई। ओके ओके हाँ भाई, चलिए भाई आ जाते हैं जरा एलॉय व्हील की साइड, और मैं अंदर भी देख रहा हूँ कि व्हील के अंदर भी इसमें लाइटिंग वगैरह हो रखी है। बिल्कुल भाई, तो अंडर बॉडी भी लाइट है क्या? अंडर बॉडी लाइट भी है। तो व्हील का जरा डिस्क्राइब कर दो, कितने इंच है, क्या एग्जैक्ट प्रोफाइल है इसकी? 17 इंच व्हील है। ओके, प्रोफाइल क्या है पूरी इसकी? 225/45/17। ठीक है हाँ भाई। और कितने के पड़े आपको ये? ये पूरा सेट मुझे 95 का पड़ा। स्टॉक कितना आता है इसमें? 16 का आता है। इसमें 18 भी लगवाए थे, बट 18 में मजा नहीं आया। पीछे से ना गाड़ी बहुत बैठती है, बहुत ज्यादा बैठती है, इसलिए मजा नहीं आया। बैठती तो ये भी अभी भी, बट आपको मैं बाद में बताऊंगा, चलो अभी बता देता हूँ। इसके जो शोकर होते हैं, शोकर इस गाड़ी के नहीं है, शोकर भी दूसरी गाड़ी के डलवा रखे। कौन सी के डलवा दिए? ये हमने डलवा रखे हैं आपकी वो मारुति की अर्टिगा के। अच्छा, उसका रीजन सिर्फ थोड़ी सी? हाँ, अर्टिगा की सीएनजी वाला वेरिएंट का। हाँ जी भाई। तो क्यों डलवाए? मतलब थोड़ी लिफ्ट हो जाए गाड़ी? लिफ्ट हो जाए गाड़ी, जैसे किसी डच की आती थी उसमें सीधा टायर पे लगती थी गाड़ी, इसलिए, वो भी 17 इंच में भी। ओके हाँ जी। हाँ, मुझे पीछे से देख के वैसे भी लग रहा है ना कि पीछे जैसे स्पेस बना हुआ है इसमें, तो थोड़ा सा लग रहा है जैसे लिफ्ट करा रखी है, गुटके वगैरह लगवा। हाँ जी भाई, नहीं गुटके नहीं लगवाए। हाँ, ये वो है कि आपने शोकर ही बदलवा। बिल्कुल भाई, शोकर ही बदलवा रही, गुटके भी लगवाए थे 2-3 बारी झूठ के बोलूं, बट उस समय मजा नहीं आया। वो भी थोड़ी बहुत महीने चलती थी, फिर वो घिस जाते थे, फिर वो गाड़ी ऐसे करती थी, इसलिए शोकर ही चेंज करवा दिया भाई, एक बार काम ही परमानेंट करवा दिया। चलो भाई, ये कितने के बताए थे? कितने के पड़े थे? 95 के पड़े थे। तो ये तभी लेने के बाद तुरंत करा लिए थे? फिर उसके बाद तो भाई 3 बारी चेंज करवा दिए। पहले थे अपने वो स्टार वाले थे, उसके बाद आए थे भाई तिल्ली वाले आए थे, अब भाई ये उरिस वाले लगवा रखे। साइड स्प्लिटर्स भी भाई दिख रहे हैं इसमें, फ्रंट भी थे भाई। हैं, कहाँ गए ये? परसों ही डिवाइडर पे चढ़ी है गाड़ी। अच्छा, मुझे लगा मैंने नोटिस ही नहीं करे। नहीं भाई, ये देखो अभी ये बम्पर सेट करवाना है इसका। ओहो, फ्रंट स्प्लिटर्स भी थे? फ्रंट स्प्लिटर्स भी थे इसके, विद रोड्स लगवा रखे थे मैंने तो। अब साइड के रहेगा तो ये तो अपने वही ABS। बिल्कुल ABS। ओके ओके, हाँ जी भाई। चलो भाई, आप ये चीज देखो, बताओ। ये चीज मैंने कस्टम करवा रखी है, कस्टम बनवाई है, ये कुछ रैप वैप नहीं है। ओके, ये पार्टी बनवा रखा है ना? बिल्कुल भाई, ये हैंडमेड बनवाया था मैंने। अच्छा हाँ जी, और जो है। काम है वो सब फरीदाबाद का ही है, कोई दिल्ली का काम नहीं है। ठीक है, पीछे से भाई बात कर ले, बताओ जरा टेल लैंप के बारे में। भाई ये भी अपनी जब हमने गाड़ी ली थी तो उसकी सेकंड गाड़ी थी, उसमें टेल लाइट ये वाली लगी थी। ओके, एक दिल्ली में लगी थी गाड़ी की 2016 में हमारे अक्टूबर का है, ये अक्टूबर की मतलब वो है, तो हमने 4 महीने बाद ही लगवा ली थी। ओके, और ये सेकंड गाड़ी थी जिसमें ये टेल लाइट लगी थी। अच्छा हाँ जी भाई, मतलब बहुत जल्दी पकड़ ली थी। बिल्कुल। अच्छा, बोलते कौन से हैं इसको? ये वही जो वो होती है अपनी ताइवान वगैरह, ताइवान वाली है ना भाई, एक ही नाम आता है इनका, कोई सा भी ले लो, चाइनीज का ताइवान ही आता है। सही बात है। हाँ। बाकी रिफ्लेक्टर्स में भी चेंजेस हैं? रिफ्लेक्टर भी चेंजिंग है, विद इंडिकेटर है। ओके भाई, पीछे से सिस्टम कुछ दिख सकता है ना इसका? बिल्कुल भाई, करो जरा डिक्की ओपन। ओके भाई, ये रखी हुई है पेटी। भाई सिस्टम में बता दोगे कितने रुपए खर्च कर रखे हैं सिस्टम के? भाई अप 2.5 लाख से ऊपर। अच्छा, 2.5 लाख का सिस्टम है? ठीक है भाई, सुनना बनता है। और इसकी ना मैं एक अलग से रील डालूंगा इंस्टाग्राम पे, जो मैं हर वीडियो में करता हूँ हर गाड़ी के साथ, कि उसकी एक रील आ जाएगी। तो उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे हम NCS के सॉन्ग बजाते हैं, तो उसमें इतना मज़ा नहीं आता, लेकिन वहाँ पे हम अच्छे से सॉन्ग बजा के ना बढ़िया पंजाबी से तब आपको सुनाते हैं। आप यहाँ खड़े हो ना, गाड़ी यहाँ खड़ी है तो आप वहाँ खड़े हो जाना, रील इसलिए बनाएंगे। आपकी जो वॉइस होती है, जो इसका ट्रैवल शब्द होता है, इतना क्लियरिटी है ना, आपको भाई चल जाएगा। ठीक है भाई, बाकी एग्जॉस्ट नोट जो है मैं आपको सुनाने वाला हूँ एक बार इसका, क्योंकि वो भी भाई सुनना बनता है। जब गाड़ी आ रही थी ना तो मैं बता रहा था भाई को जो मेरे साथ बैठे थे कि भाई ये देखो एग्जॉस्ट साउंड स्टार्ट। ये वेल्वेट्रॉनिक है क्या? वेल्वेट्रॉनिक है। ओके ये नॉर्मल है। ठीक है, तो अब जरा एक बार
बार इसे भी रेट कर दे आउट ऑफ 10 भाई, कितने नंबर आप इसको देना पसंद करोगे। बाकी एग्जॉस्ट तो भाई मुझे भी अपनी जिमनी में जल्दी जल्दी लगवाना है, वैसे तो उसमें बहुत सारा काम होने वाला है और अब वो जाने वाली है तो आप लोगों को पता होगा अब उसकी सीरीज आने वाली है। इस कलर में गाड़ी कोई नहीं है बलिनो तो इस कलर में और कोई क्यों नहीं है? है ही नहीं कोई गाड़ी, है ऐसी कोई गाड़ी? इस कलर में मैंने एक बलिनो करी थी लेकिन उस बंदे ने कलर ही चेंज करा रखा था। अच्छा, वो भाई ब्लू कलर में कर रखी थी, बहुत लोअर्ड करा रखी थी, दिल्ली की गाड़ी थी। दिल्ली की गाड़ी थी, व्हाइट कलर के हाँ एलॉयज उसमें वो थे ना, बीबीएस हाँ, 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 वो वाली मैंने कवर करी थी। बट तो, मेरा बहुत मन करता है इसको ब्लैक कलर का, मन बन नहीं क्योंकि ये भी एक यूनिक कलर है। बिल्कुल। चलो भाई स्पॉइलर के बारे में जरा बता दो। स्पॉइलर भाई अपना मॉन्स्टर स्पॉइलर नॉर्मल लग रहा है, एबीएस। हाँ हाँ एबीएस। इस गाड़ी को मैंने टाटा बना रखा है। कैसे? आ जाओ भाई आ गए। इसकी छत पर मार के देखो क्या कर दिया छत पे? मार के देखो भाई ये क्या कर रखा है यार, ये तो मारुति की आवाज नहीं है। ये मारुति के अपने डोर पे मार के देखो, मतलब डैम्प वगैरह अच्छे से करा रखा है ना। आपको एक और चीज दिखाऊं, इस तरफ से हो जाएगा, ये देखो कहां तक डैम्प है। ओ भाई ठीक है भाई, समझ गया। पीछे फेंडर का भी देख लो। तो मतलब आप मानते हो कि मारुति अच्छी बिल्ड क्वालिटी तो देती नहीं है? हाँ, तभी मैंने टाटा बना रखी है भाई। चलो यार सही है, लेनी मारुति के लेकिन बनानी टाटा है। हाँ भाई ठीक है भाई, इंटीरियर में बैठ के जरा बात कर ले। आजो भाई आजो। मेहुल भाई इंटीरियर में जरा बता दो क्या क्या चेंजेस हैं, क्योंकि छत पे तो मुझे दिख गया है कि आपने यार ये करा रखी है रूफ। बिल्कुल भाई। और क्या क्या करा रखा है गाड़ी में? ऑल ब्लैक इंटीरियर करवा रखा है। ठीक है, जैसे आपको दिख रहा हो, क्योंकि ये सारा ना वो आता था स्किन टोन टाइप आता था। ठीक है भाई। उसके बाद बना पहले तो गियर नूप आ रहा, सीधा गियर नूप चेंज करवा रखा है। ओके। उसके बाद स्पीकर वगैरह हैं, ट्विटर वगैरह, एम्बिएंट लाइट है, वो भी नॉर्मल हो गई है। पिलर्स पे ब्लड ट्विटर्स हैं। बिल्कुल भाई। ओके। जो ये मतलब अपना सेंटर स्पीकर है, अपने पीछे भी स्पीकर लग रहे हैं सेंटर। अच्छा, ये सारे ना सेकेंड हैंड है और ये कंपनी यामा की कंपनी है। ओके। जिसको म्यूजिक के बारे में पता होगा उसको यामा के स्पीकर भी पता होगा। वेक्सट्रोन। हाँ भाई वेक्सट्रोन यामा, और ये अपने उसके लग रहे हैं। यहाँ पर भी अपनी पुरानी सीरीज लग रही है। ओके। यहाँ भी लग रही है, पीछे भी लग रही है। सही है भाई। कितना बता रहे थे सिस्टम में खर्चा? 2.5 लाख का। अभी तो आपने ये सेंटर देखा, पीछे 4 और इधर इस साइड पड़े हैं भाई। ओके 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 ओके। हाँ जी ये तो भाई जब सुन लेंगे ना तो पता लग जाएगा फिर इतना कि क्या ही इसमें लगा हुआ है। बिल्कुल भाई। कितने किलोमीटर भाई आपने रन कर ली है गाड़ी? ये 78 हो गई। 78। अब जरा मुझे थोड़ा सा ये बता दो कि इस गाड़ी का क्या कम्फर्ट लेवल है, क्या ड्राइव क्वालिटी है? कम्फर्ट लेवल ओके ओके है, बस इसकी ग्राउंड क्लियरेंस से थोड़ा सा डर लगता है, और कुछ नहीं है। अच्छा, नीचे काफी है। हाँ भाई नीचे काफी है। बिल्कुल। और कुछ नहीं, और जो मारुति का है 100 से ऊपर जाती ब्रेकिंग सिस्टम इसका आउट हो जाता, कांपने लग जाती है गाड़ी, आपको ने पता ही होगा। बस वो और कुछ नहीं है, और सब बढ़िया है इसका। अच्छा बिल्ड क्वालिटी पे थोड़ी सी बात करें। बिल्ड क्वालिटी ओके ओके है। ओके ओके है। ओके ओके है। हाँ भाई ओके ओके है। कितने स्टार हैं इसको, कितने स्टार मिले हुए हैं? 3 कितने मिले हुए हैं? हाँ इतना मुझे खुद ही नहीं पता। 3 तो नहीं है यार। कितने भाई आपको पता है? 0। हाँ यही तो मैं सुनना चाह रहा था भाई से, 0 स्टार मिले हुए हैं भाई इसको, तभी तो बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं भाई को यही नहीं। लेकिन अब मैं बोल सकता हूँ, देखो वैसे तो बिल्ड क्वालिटी इंप्रूव नहीं हुई है, बट हाँ अगर कोई इसे मार मूर के देखे हाथ से जैसे मैंने देखा तो बोलेगा कि हाँ भाई ठोस कर रखी है गाड़ी। जैसे कि आप मैं शादी में जाता हूँ, कहीं भी जाता हूँ तो काफी लोग जाते हैं, वो छत पे चढ़ जाते हैं, छत बैंड हो जाती है। मैं इसके ऊपर ना चाहूँ। अरे बाप, मैं 70+ हूँ, वेट मतलब 70+ है, कुछ नहीं हुआ वो डैम्पिंग वगैरह। चाहे आप अभी खड़े होके नाच लो, लाइव टेस्ट, लाइव डेमो दे रहे थे भाई, कर ले। दो जने भाई मुश्किल हो जाएगा। भाई। एक को नचा देंगे आज। हाँ एक को नचाओ, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल। क्या बिल्कुल बोलते हो भाई? मुझे खुद डर लग रहा है कभी भाई बैंड। नहीं नहीं बैंड तो नहीं होगी भाई, इतनी गारंटी है। अच्छा हाँ बैंड नहीं होगी। चलो यार। हाँ जी भाई मुझे ये बताओ माइलेज वगैरह क्या दिखा रही है, क्योंकि 7.2 का दे रही है मारुति तो भाई हजम नहीं हो रही बात। ये झूठी है, कल ना बैटरी थोड़ी अप डाउन हो गई थी, मतलब बैटरी के जो स्लॉट होते हैं वो निकल गए, तो जो 0-0 हो जाता है। तो अभी जब से ये वो हुई नहीं, अपने आई नहीं है, तो ये लोकल हमें 10 या 11 की देती है। अच्छा। हाँ भाई ओके। हाईवे पे इसकी मैंने नहीं, भैया ने, बड़े भैया ने निकाल रखी है, 24 निकाल रखी है, 24 एवरेज निकाल रखी है इस गाड़ी की, 17 के साथ एग्जॉस्ट के साथ। क्या बात है। हाँ भाई ये भाई, ये बात मुझे भी नहीं हुई थी, भाई ने फोटो भेजी थी, फोटो भी मेरे पास पड़ी होगी, क्योंकि ऐसे ही तो हाँ। इतना माइलेज तो डीजल वगैरह की तो चलो मान सकते हैं कि देती है। बिल्कुल। पर पेट्रोल में तो बहुत सही है फिर। हाँ भाई चलो अब जरा बाहर आ जाते हैं भाई, थोड़े से इसके ना पॉजिटिव नेगेटिव और थोड़ी सी बात करेंगे इसकी रेटिंग की। तो मेहुल भाई अब जरा बात कर लेते हैं गाड़ी के, जैसे गाड़ी में पॉजिटिव्स होते हैं तो ऑलमोस्ट नेगेटिव्स भी होते हैं।
नेगेटिव भी हैं, आपको थोड़े बहुत तो बता ही दिए ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह के, जो भी आपके समझ में आते हैं आप मुझे बता दो, और इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं लगता, बस ये ग्राउंड क्लियरेंस लगता है, बाकी गाड़ी से सेटिस्फाइड हो। बिल्कुल बिल्कुल, और वो जो जो ब्रेकिंग का सिस्टम होता है बस वो, और इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं। बाकी ये है कि देखो भाई ने तो ये गाड़ी तैयार कर दी, लेकिन आप लोगों से मैं पूछना चाहूंगा कि आप लोग इस गाड़ी को इतनी रेटिंग करना चाहोगे आउट ऑफ 10? ओनर तो भाई ओनर से रेटिंग लूंगा तो वो तो 10 में से 12 भी दे देंगे, लेकिन आप लोग जरा बताओ आउट ऑफ 10 कितने नंबर इस गाड़ी को देना पसंद करोगे? इसमें अपनी हाँ ये कि वो भी लगवा रखे हमने विंग्स लाइट। अच्छा, अब देखूं तो कुछ अगर शो होगा तो? नहीं कुछ भी नहीं हो रहा। नहीं हो रहा ना? बिल्कुल भी नहीं, दिन में नहीं हो रहा, बस ये रहा बस थोड़ा सा रहा, बट वो रात में ही पता लगेगा। बिल्कुल, बट बहुत अच्छी मजा आ रहा था इसे देख के। चलो थैंक यू मेहुल भाई अपना टाइम देने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। ठीक है भाई जी। भाई ये थे अपने साथ मेहुल भाई, जिन्होंने अपनी कौन सा मॉडल बताया था, ये ईयर 2016 जो ईयर है, बाकी टॉप एंड वेरिएंट उठाया था और इसमें अच्छी खासी मॉडिफिकेशन करा रखी है। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। कितने किलोमीटर चलाई थी भाई आपने? 78 किलोमीटर भाई ने चला लिया, 78,000 सॉरी। तो उसी का एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर किया, मैंने बेसिक बातें भी साथ के साथ करी हैं ताकि आपको थोड़ा सा मजा आए, इंटरेस्ट आए अगर आप बलेनो ओन करते हो। बाकी मॉडिफिकेशन की तो अपनी बात हुई हुई है, तो अगर वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, लेकिन उससे पहले बता दूं जो मेरी जर्नी चल रही है इसमें जरा सपोर्ट करो प्लीज़। ठीक है, 6 महीने की जर्नी है जिसमें 180 वीडियोज़ हमें डेली अपलोड करनी है, इंस्टाग्राम पे रील डेली आती रहती हैं, तो उसको थोड़ा सपोर्ट करो, आपके सपोर्ट के बिना तो कुछ होने वाला है नहीं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बाकी चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो करते हैं, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई गाड़ी के साथ, बाय।